और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने जो कदम उठाया उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज कृपया करके मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूँ, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, जरा प्लीज मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूंगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा उसे दबाने की क्या जरूरत थी, किस बात का डर होती है। गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हम। यही मेरा प्रयास था और मैं समझता हूँ ऐसा फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आज़ादी पसंद करता हूँ कि ऐसे मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए। वो गलत है सही पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक व्हेन आई रेड द हिस्ट्री ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड कि पार्टीशन के बाद में हजारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए, पाकिस्तान से कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए। अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहां से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने। तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं। अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद अपना डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से कुछ सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ। मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूंगा, जाऊंगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे। व्हेनेवर नेक्स्ट पिक्चर देखने के बाद मैं चाहूंगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मजा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी तो उस वक्त आपकी जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं, तो मैं दिल से आप सबके सामने माफी मांगूंगा। मैं कतरा गलती नहीं करूंगा। मैं गलती मतलब मैं इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं बेशक का सहारा बनना चाहिए और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके देन आई मेड अंदाज अपना अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट तो देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीशन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, पढ़ते। हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था, मैं उसके बारे में अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। सिर्फ इतनी जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को। आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है, भगत सिंह ही है लोगो। मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स हैं, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों का टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया। वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ है। Nobody knows his argument. क्यों, किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, और जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है। गोडसे जी के ऊपर कितने अपराध लगे हुए, किस किस को उसने मारा या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ। और गोडसे जी के घटना के हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी
कई लोग के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़ फोड़ किया गया, वो कौन लोग थे? उनपे कितने लोगों पर चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला किया, उनको फांसी हो गई। उन लोगों का क्या, मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा, वो क्राउड वो क्या था, वो मॉब कौन थे, वो मॉब क्यों उन लोगों में जुल्म किया? कसूर गोडसे ने किया, अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस, वो भागना नहीं चाहते थे वहां से, क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था। जो भी किया, सही किया गलत किया, वो तो लोगों पर छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियस क्लियर था, ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम से डरते नहीं थे। बम फेंके भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी, वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था। और आज इतने सालों के बाद में इस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स, जैसे औरंगजेब करता था ना, वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा, ये मेरी जबान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज ना हो, थिएटर्स ना मिले, जो पहले औरंगजेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, ये मेरा वादा है। पिक्चर भी रिलीज होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे, ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं। हमारा देश 130 करोड़ का देश, एक साथ है, हम साथ में ये पिक्चर को सराकों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी, क्या आपका विचार? मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफ़ी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ, इनकी बातों को। मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे हैं गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए, वो कई धमकियाँ आई, मुझे भी धमकियाँ मिली, एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके आग लेके सड़क पे उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना ज़मीर, ज़मीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं, उसी पे बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई, घातक भी उसी तरह से। इफ़ आई हैव टू चूज वन बिटवीन वायलेंस एंड कावर्डाइज, आई विल चूज वायलेंस। आई विल स्टैंड प्राउड विद ब्रोकन लिम्स एंड बैंडेज हेड, देन क्रॉल ऑन द ग्राउंड हेल एंड हेल्दी। ये सब गांधी जी का कोट है कि बुजदिली और अहिंसा में बहुत फर्क है। कई लोग अपनी बुजदिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपने कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी थी, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं, तो मैं इनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई गांधी जी फियरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फियरलेस। उस वक्त जैसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पर गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़े कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वाकिफ थे वो, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक बिलीफ था उनका, एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलोसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उस पर कायम से उन्होंने किया। तो जब मैंने इन दोनों पे फिल्म बनाने निकला, गांधी जी और गोडसे पर, अगर मैं सहम जाऊं, मैं डर जाऊं, तो कैसे इंसाफ करूंगा इनके साथ? तो फिल्म बना के आगे निकल जाऊंगा। मुर्दाबाद कहे वो भी स्वीकार है, जिंदाबाद कहे वो भी स्वीकार है मुझे। ये चेहरे पे जो चोट के निशान है, वो हमले का है कुछ? अभी मैं उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको कहा औरंगजेब और पठान, इसमें आप समझ जाइए सर, समझदार को इशारा काफी है। औरंगजेब था, अब पठान है, तो पठान में कौन है उसका नाम यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, स्ट्रगलर्स हैं, बट हिम्मत वाले हैं। हम कोई बंगले के अंदर जन्नत या मन्नत में बैठ के ये सब नहीं चलाते, छोटे छोटे घरों में रहते, हिम्मत बहुत रखते हैं, हिम्मत है, सच्चाई बोलने की ताकत है। सर, आप सिर्फ पठान का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माता तो खुद हिंदू हैं। अरे भाई, पठान चला कौन रहा है? हिंदू चला कौन रहा है सर, चला कौन रहा है? तो विदेशी ताकतों भी कुछ उनके साथ में है, वो होने दो। 27 तारीख को आप निर्णय करेंगे, जनता निर्णय करेगी, पब्लिक निर्णय करेगी। हमारा जो भगवान है वो जनता है, टिकट जनता खरीदेगी, डरा धमका के दबा नहीं सकते। एक सवाल आपसे भी, अभी आपने खुद कहा कि आप गोडसे के समर्थक हैं और फिल्म के निर्माता हैं, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं गांधी का भी समर्थक हूँ और गोडसे का भी समर्थक हूँ, बट गोडसे का पक्ष नहीं रखा गया, बस उसके लिए मुझे पीड़ा थी। नहीं, फिर तो सवाल आपसे उठेंगे इस तरह के ना, कि जब आप गोडसे के समर्थक हैं तो जाहिर है कि आप गोडसे के समर्थन वाली ही फिल्म बनाएंगे, ना कि गांधी के समर्थन वाली। हमने बैलेंस फिल्म बनाई, देखो फिल्म के डायरेक्शन में, राइटिंग में, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन सर का है, उसके अलावा बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है।
तो फिल्म राइटिंग में आर्टिस्ट ये वो सब पूरा पूरा जो है काम सर का है। और ये बिल्कुल बैलेंस मूवी रखी है। महात्मा गांधी भी हमारे हैं और गोडसे जी भी हमारे के 70 साल उनकी आवाज दबाई गई, उस आवाज को आपके सामने रखना चाहते, फिर आप निर्णय लीजिए वो सही थे कि गलत थे। देखिए हेलो, आपका जो ये सवाल है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, फिल्म जो बनाई है मैंने वो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है, दोस्ती अपनी जगह पे है, इनकी राय अपनी जगह पे है, जो सोचा मैंने जो सोचा है, मैंने जो डिसाइड किया, मैंने वही फिल्म बनाई है। और मैं थैंक्स बोलूंगा ललित जी ने कभी मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही नहीं की, वो तो फिल्म देखने के बाद उनको लगा नहीं यार बड़ा अच्छी बात, लोगों से आवाम से। और आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है मीडिया का, यही सही विचार सही ख्याल जो भी ऑनेस्टली है ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। मैं बहुत ही बहुत दिनों के बहुत सालों बाद एक फिल्म बना रहा हूं मैं, आई डोंट हैव अ बिग बैंक बैलेंस, नहीं मेरे पास पब्लिसिटी में करोड़ों रुपया है कि करोड़ों रुपये का पब्लिसिटी करूँ। एक विचार है, एक विचार है, और विचार को नए लोगों के साथ में बड़ी मुश्किल से बनाई, पैंडेमिक के टाइम पे शूटिंग किए, काफ़ी संघर्ष किया मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़रूर लोग देखें। और रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दीजिए, देखने के बाद में जो भी कमेंट करना कीजिए, बट जाएंगे ओपन माइंड के साथ जाके देखिए फिल्म, यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से। और आपके थ्रू लोगों तक कनेक्ट करूँगा, लोगों तक पहुँचूंगा मैं। सर पठान भी साथ में रिलीज हो रही है, तो ये कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए कंपटीशन क्या है, अभी मुझे बताइए, पठान एक अलग तरह की फिल्म है एंड व्हाट टू से, बड़े स्टार की पिक्चर है, और शाहरुख खान बहुत ही मेहनती स्टार है, अच्छा स्टार है, और हमारे दोस्त भी हैं, हम एक इंडस्ट्री के हैं, और यशराज का बैनर है, वो भी बहुत बड़ा बैनर है, और यश जी हम सब बहुत मानते हैं, उनका बैनर है। और हमारे लिए 26 जनवरी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये देश हित में, देश में जो घटना घटी थी आज से 75 साल पहले, उस पर बेस किया है। और 30 जनवरी भी इसी वीक में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 30 जनवरी के दिन ही ये घटना घटी थी, गांधी जी की हत्या हुई, तो इसके लिए हमारे लिए ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और पठान साथ में रिलीज़ हो रही है, वेल एंड गुड, जो पठान चाहते हैं वो एक दिन 25 तारीख को रिलीज़ हो रही है, वो देखेंगे, कई लोग वो देखने के बाद फिर ये देखेंगे, तो हम 26 को रिलीज़ कर रहे हैं, वो 25 को आ रही है पिक्चर, तो अपनी अपनी मेरिट पे फिल्म चलेगी, जो उनकी पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे, जो हमारी फिल्म ठीक लगी हमारी फिल्म देखेंगे, तो कंपटीशन कुछ नहीं है, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। मुझे कुछ दिनों पहले जर्नलिस्ट लोगों ने किसी पूछा कि आप उसके खिलाफ आ रहे हैं, विरोध आ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, मैंने कहा क्लैश का कुश्ती थोड़ी कर रहे हैं उनके साथ में, हम अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, वो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंटरटेन करेगी आपको, और हमारी फिल्म जो है सोचने पे मजबूर करेगी, एट द सेम टाइम वेरी एंटरटेनिंग। आप जरा कल्पना कीजिए, ये जो फिल्म जो है ये पहली बार इंडिया में ऐसी फिल्म बनी है, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अगर गांधी जी बच गए होते उस अटैक से, उस असैसिनेशन अटैम्प्ट से बच गए होते तो क्या करते गांधी जी, वो गोडसे से मिलते, और गोडसे के सामने गांधी जी अगर आ जाते बरूबर और बातचीत होती तो क्या बातचीत होती, तो बहुत ही एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग है, एक बार आप देखेंगे तो नजर हटेगी नहीं आपकी, क्योंकि दोनों चिन्मय मांडलेकर ने भी गोडसे को जिंदा कर दिया पर्दे पे, और दीपक अंतरंजन ने गांधी को जिंदा कर दिया, और दोनों के बीच में डायलॉग बाजी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है, ऐसा नहीं कि लेक्चर है या कोई उपदेश हो रहा, नहीं, तो आप खुश होंगे पिक्चर देख कर। सर आपको क्या लगता है कि पठान के पास एम पावर है मनी? सर आपको क्या लगता है कि ये पठान ज्यादा स्क्रीन ले रही है और आप लोग की फिल्म को स्क्रीन कम मिल रहा है, इसकी वजह से भी एक वो जैसे ललित जी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को? नहीं देखिए ऐसा, पठान बहुत बड़ी बजट की फिल्म है और बहुत बड़ा स्टार है उसमें शाहरुख खान, तो डेफिनेटली ज्यादा प्रिंट मिलेंगे, ज्यादा बड़ा रिलीज होगा, और हमारे पास सिर्फ एक सच्चाई है, ट्रुथ है, और एक एक, एक वाटर से एक मुद्दा। सर कश्मीर फाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, कश्मीर फाइल को पहले वो थिएटर्स नहीं दे रहे थे, दबा रहे थे, आप देखिए दुनिया की सबसे बेहतरीन पिक्चर निकली, तो मेरे को विश्वास है सर जो आपने चीज बनाई है वो पठान को 3x 4x पार करके आगे जाएगी। नहीं, रेस पठान के साथ नहीं, आपके साथ में, ऑनेस्टली ये ललित जी के विचार है, थैंक यू वेरी मच, जनता साथ में, जनता पिक्चर देखे पसंद करे, हमारा रेस नहीं है पठान के साथ है, पठान की अपनी तकदीर है, अपनी मेरिट के ऊपर फिल्म चलेगी, हमने जो किया है बड़ी ईमानदार, हमारे मेरे पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑनेस्टली सच्चाई था इन्वेस्टमेंट, वरना आज के तारीख में बिना किसी कॉर्पोरेट के मदद से, बिना किसी सपोर्ट के, बड़े इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के, मैंने कैसी फिल्म बनाई पैंडेमिक के समय, मैं जानता हूँ मेरा दिल जानता है, हाउ है मेरिट एंड ए मेरिट फॉर द पीपल,
क्या मेरे लिए क्या मुश्किल है, अंदाजा अपना मगर दो पार्ट बना लूं, चार पार्ट अजब प्रिंटी गजब कहानी का बना लूं, खाकी टू खाकी थ्री खाकी फोर बना लूं, घातक फिर आया, मार बार आएगा घातक, तोड़ देगा घातक, मार देगा घातक, बनाने मुझे कौन रोक रहा है? क्यों मैंने बनाई ये फिल्म? क्योंकि मुझे लगा ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात नहीं हुई है और इसको लोगों के सामने लाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई हैव डन इट, ये मेरी ईमानदारी है और ईमानदारी से मैंने फिल्म बनाई है। सीजन है ये समर सीजन है, इसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत चलेगा, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बनाओ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं मुझे सही लगता है वो मैं बना देता हूँ, अंजाम से फिर मैं डरता नहीं हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपने, हाजी हाजी सर सर मैं नहीं किया ये, इसी ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ये कॉन्फिडेंस है वो फिल्म का युद्ध बता रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपने प्यार भी दिखाया सर, उस बारे में जानना चाहेंगे आप? प्यार प्यार एक छोटा सा एक अपना एक स्टोरी है, एक साइड ट्रैक है उसमें, जो मेन ट्रैक के साथ में बातें जुड़ जाती है। उस ट्रैक के ऊपर दोनों कैरेक्टर रिएक्ट करते हैं, गांधी जी भी अपने तरह रिएक्ट करते हैं और गोडसे जी भी अपने तरह से रिएक्ट करते हैं, वो छोटा सा ट्रैक है वो। ललित जी आप जो है समाज सेवी भी है और आरएसएस से भी जुड़े हैं, तो क्या यही रीजन था कि इस तरह की फिल्म बनाई जाए? और सर मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है? पर्सनल जीवन मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन पे निकाले गए थे, तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। पिक्चर का सपोर्ट कर रहे हो तो ये नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशन सर, आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर आप आरएसएस करेंगे तो कैसे व्यक्तिगत होगा? सर सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बैलेंस मूवी बना रहा हूँ, मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, गांधी जी महात्मा थे हैं और रहेंगे। सिर्फ गोडसे जी के जो 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 सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं है भैया, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो है दीपक अंतानी जी मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया, लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को, और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें जो गलत आदतें थे छोड़ दी, गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे, ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है, तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या फिल्म अभी 4 दिन में रिलीज हो रही है, देखिए फिल्म देखिए और यकीन कीजिए ऐसा डायरेक्टर मैंने बड़े जिम्मेदारी के साथ काम किया है, आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई है पिक्चर में आज तक, सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है जिंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने, इसीलिए शायद कश्मीर फाइल की भी हल्की बात की सर, किससे कश्मीर फाइल के बारे में भी अभी वो इन्होंने बात कही। हाँ हाँ सवाल आपसे ये सर, एक मिनट आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, हम आपको ये माइक दे रहे हैं आपको सर, माइक दे रहे हैं सर, क्लियर क्लियर कि लास्ट ईयर द कश्मीर फाइल आई, फिल्म बहुत चली, पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, बट पृथ्वीराज फिल्म उसको भी काफी हद तक पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, टैक्स फ्री हुई, काफी कुछ हुआ, किसको कश्मीर फाइल को, कश्मीर फाइल को, उसके बाद पृथ्वीराज को भी यूपी में, बाकी सब कुछ राज्यों में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांधी गोड़ से जो आपकी फिल्म आ रही है, क्या कुछ लगता है कि आगे आप पॉलिटिकली कुछ अप्रोच कर सकते हैं या कुछ ऐसा सोचना है विचार आपका या फिर टैक्स फ्री या ऐसा कुछ? देखिए ये जो है ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग जितना फिल्म को सराहेंगे पसंद करेंगे उसी से एक अपील होगा गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा भैया इसको टैक्स फ्री कर दो, अच्छा नहीं लगता, मैंने उस अपेक्षा से ना फिल्म बनाई है, जब हम फिल्म बनाते हैं हमारे जहन में, मेरे लिए मैं अपनी बात करता हूँ, ना अवार्ड दिमाग में रहता है ना मेरे दिमाग में कोई टैक्स फ्री वगैरह रहता है, मेरे दिमाग में मेरे जहन में एक ही बात रहती है और उसी के बारे में सोचता हूँ, वो है जनता, जो अपने हार्ड अर्नड मनी, आजकल टिकट का क्या प्राइस हो गया, टिकट का क्या रेट हो गया, एक परिवार जाके फिल्म देखती है तो 1.5 से 2 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं, तो उस पैसे का मैं ध्यान रखता हूँ कि वो फिल्म देखने के बाद में निराश नहीं होना चाहिए, उनका पैसा बर्बाद हुआ है, दे शुड फील हैप्पी, दे शुड फील सेटिस्फाइड, इसीलिए मैंने आज तक 8 फिल्म नहीं बनाई है कि भैया मेरा पर्सनल टेक है, अरे पर्सनल टेक है, कविता लिखूंगा, किताब लिखूंगा, जब पिक्चर की बात आती है जहां लोग पैसे खर्च करके घर से आके देखते हैं तो उनका एक मेन मुद्दा होता है फिल्म एंटरटेन करना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर वायलेंस को बढ़ावा दो या अश्लीलता दिखाओ, सेक्स दिखाओ, इसका भी खिलाफ हूं मैं, हेल्थी एंटरटेनमेंट की बात करता हूं,
साहब मेरी फिल्म देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आजा प्रेम जी गजब कहानी देख लीजिए, पुकार देखिए, चाइना गेट देखिए, खाकी देखिए, आप सब में हेल्दी एंटरटेनमेंट है। हर जॉनर में मैंने फिल्म बनाई है, हर विषय पे अलग अलग विषय पे फिल्म बनाई है, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखा है कि गलत बात नहीं करूं, कहीं मेरे फिल्म से कोई भी गलत दर से इन्फ्लुएंस न हो जाए, हिंसा करने बने आ जाए, अश्लीलता देखकर कहीं। मैं औरतों का बड़ा सम्मान करता हूं, इसीलिए मैंने दामे को दोनों देखिए सर, मेरा दिल बिल्कुल देखिए सर, वो तो डेमोक्रेसी आप बिल्कुल देखिए, बट जिस तरह से मुझे और भाई साहब को दबाने का, सप्रेस करने का, इंटरनेशनल प्रेशर लाने का वो कर रहे हैं ताकि हमारी पिक्चर रिलीज ही ना हो, हमारी पिक्चर फरवरी में चली जाए, और उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना भाई समझा, इसके लिए थोड़ा एक्सप्रेस कर लिया, बाकी हमने तो कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की होगी उनके अगेंस्ट, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम मिडिल क्लास के छोटे लोग हैं सर, अपनी खुद के पूंजी से पिक्चर बना रहे हैं, हमारे पीछे कोई कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं, तो अगर वो सप्रेस करने को हमको दबाने को देख रहे हैं तो सर दबने वाले हम नहीं हैं, ये क्लियर है, ईमानदार है और ताकत से खड़े रहने की रखते हैं, चाहे वो पठान हो चाहे कोई भी हो सर। राज सर आपने पुलिस प्रोटेक्शन लिया है, राज सर, राज सर, सर पुलिस प्रोटेक्शन लिया है आपने, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस आई है। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस प्रोटेक्शन लिया है सर आपने, क्योंकि नहीं जी मैं नहीं लिया मैंने, क्योंकि हिंदू भाई जितने भी हैं, जैसे उन्होंने कहा है, लोग हैं हिंदू भाई क्यों, मुसलमान भी, मैंने जो फिल्म बनाई है कुछ फिल्में खाकी वगैरह में, उनके हक के लिए बात किया है, मैं सही मुसलमान का भी साथ देता हूँ, सही हिंदुओं का भी साथ देता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी लोगों के सामने ले आए, तो पुलिस से ज्यादा प्रोटेक्शन तो आवाम है, क्राउड है, बिल्कुल, पीपल, पीपल आर द मेजर स्ट्रेंथ। अजीत गांधी जी के लोग बात करते हैं, गांधी जी कौन से चार मशीन गन लेके गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के साथ घूमते रहे, कोई बता सकते हैं गांधी जी के जो फॉलोअर यहाँ बैठे होंगे, या लोग मैं कह रहा हूँ, लाठी लेके अकेले चलते थे क्राउड के बीच में, ये जानने के बावजूद ही गोडसे जी से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर, गांधी जी ने कभी प्रोटेक्शन लिया नहीं, पुलिस पुलिस आर्मी चाहिए करके, और सच बोलने के लिए क्या डरना। संतोषी, एंड हाउ डिफरेंट इज दिस गांधी फ्रॉम द अदर गांधीज दैट यू हैव डन? आज तक जो मैंने पहले किया है वो ये स्केल का नहीं था, ये कैनवास का नहीं था, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किया उससे, और कंटेंट के हिसाब से जो आज तक किया वो हिस्ट्री में जो घटना घट चुकी है, जो बन चुके हैं, वही री इनेक्ट किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी और गोडसे कभी मिले नहीं हैं, पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट के साथ काम किया जहां गांधी और गोडसे मिल रहे हैं, सो दैट वे ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, आरोप करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं। ये फिल्म में पहली बार ऐसा है कि दो आइडियोलॉजी के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलझी हुई फिल्म है, और बहुत ही ऑनेस्ट प्रयत्न किया है राज जी ने, हर एक फिल्म मेकर का सोसाइटी की ओर एक कॉन्ट्रीब्यूशन देने का उसका एक जिम्मेवारी होता है, और मेरे ख्याल से राज जी ने यह जिम्मेवारी बहुत सही समय पर अदा की है, और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है, एवरीथिंग, प्लीज डोंट मेक एन ओपिनियन, मैं सिर्फ यही इल्तजा करता हूँ, फिल्म देखने के बाद में बिल्कुल नारे लगाइए, राजकुमार संतोषी मुर्दाबाद, जो लगाना है नारे लगाइए, एंड कोशिश करना है, फिजिकल कोशिश मत करना मारने वारने के लिए, क्योंकि वो गांधी जी के फेवर में भी नहीं है, वो गांधी जी के फेवर में नहीं है। थैंक यू विचारों का युद्ध तो यूं ही चलते रहेगा दोस्तों, लेट्स वॉच इट ऑन 26। एक लास्ट क्वेश्चन ललित जी, एक लास्ट सवाल आपसे ललित जी, एक मिनट लास्ट सवाल है कि आप क्या नागपुर में स्क्रीनिंग या कहीं पे कर रहे हैं, आरएसएस मुख्यालय, या क्योंकि वो सबसे बड़ी ऑडियंस अगर आपके उससे है तो वही है। सर आरएसएस का इस पिक्चर से कुछ भी लेना देना नहीं, ये देश की पिक्चर है, और हम नागपुर में क्यों करेंगे, हम मुंबई में कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, नागपुर में हमको अगर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कोई मुख्यालय में या किसी कोई संस्था के यहाँ पे नहीं कर रहे हैं सर, थिएटर में लग रही है, थिएटर में लग रही है, पूरे इंडिया में लग रही है, विदेशों में लग रही है। थैंक यू, बहुत ही क्लियरिटी मिली आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक बार जोरदार तालियां, और जैसे कि हमने कहा वाटर से पीआर से कहूंगा कि बड़ा खाना जैसे सारे प्रेस